हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं यहाँ पे कर रही थी अपना बैग पैक शादी में जाने के लिए। मेरे बैग पैक हुए हैं तीन तीन, एक येरा। इतना सारा सामान तो मेरा ही हो चुका है। अभी इनकी पैकिंग भी रह रही है, तो वो भी पैक करना, और भी बैग बढ़ सकते हैं। इतनी सारी पैकिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं पूरी शादी अटेंड करने वाली हूँ। बाकी सभी घर के मेंबर्स जो हैं वो आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे और प्रोग्राम अटेंड करते रहेंगे। प्लस मैं आपको पूरी शादी दिखाऊंगी, पूरे व्लॉग्स देखना, जितनी कोशिश हो सके सारे प्रोग्राम्स दिखाऊंगी, सारी रस्में दिखाऊंगी। और हम आज निकल जाएंगे 12 बजे। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 11 और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। नहा करके आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। मैंने पहले सोचा था कि मैं सूट पहन लूँ, बट शादी ओकेजन्स में तो ये साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। और इतनी हैवी साड़ी अगर हमारे पास है तो फिर इनका होगा ही क्या। तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ और मुझे पसंद भी है। प्लस आज मैं फिर बाद में जाऊंगी, मतलब यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं जाऊंगी चूड़ी लेने, क्योंकि कल के प्रोग्राम के लिए मेरी सब चीज तैयार हो चुकी है, बट थोड़ी सी शॉपिंग रह रही है, चूड़ी खरीदनी रह रही है, और भी बहुत सारा माइंड में सामान आ रहा है जो कि मेरे को यहाँ पे मिला नहीं, तो मैं वहीं की मार्केट से खरीदूंगी। और वहाँ पे वेराइटीज भी बहुत अच्छी अच्छी हैं गाजियाबाद में, तो मैं वहीं की मार्केट से खरीदने वाली हूँ। और अब मैं हो रही हूँ काफी लेट, तो मैं नहा के और खाना वगैरह सबके लिए बना के निकलने वाले हैं हम सब। तो मिलते हैं आपसे, अगर हो सका तो व्लॉग हम मार्केट में भी बनाएंगे, नहीं तो फिर मोटा मिलेंगे। मेरे बैग की तो पैकिंग समझ में आ रही है भाई, लड़कियों का इतना सारा सामान हो, तुम इतना बड़ा बैग क्यों लेके जा रहे हो मुझे ये तो बता दो। भाई मेरे थोड़े कपड़े ज्यादा हैं, इस वजह से मैंने सोचा ये ले लेता हूँ। और इसमें अपने सारे देखो कपड़े, कितना सारा तो लगेज हो गया हमारा। अब ये तो रहेगा यार, अब ये तो होगा। देखो उधर तो मेरे तीन बैग वेयर है, इधर आपका है। आपके कितने? तो इतने तो तुम्हारे कपड़े भी ना है, लड़कों का क्या हो गया, जरा से तो हो, एक थैले से मैं रख कर ले जाओ। इसमें मेरे निक्कर बनियान आएंगे सब। इतने बड़े निक्कर बनियान है, 10-12 दिन इसके अंदर। चलो तो जल्दी तैयारी करवा दो आप जल्दी से। यार अभी तैयारी काम है तो काम। मैं तो रेडी हूँ, देखो सबसे पहले मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे लिए तो मैं तो सबसे पहले तैयार हूँ, ये देखो मैं नहा भी ली हूँ, मैंने अपने घर के सारे काम भी कंप्लीट कर लिए, मैंने पैकिंग भी कर ली है। तुमने क्या किया अभी तक? मैंने सुबह से भाई 25 वीडियो पब्लिश कर दी और कम से कम 100 वीडियो लगाई है शेड्यूल में, रील्स लगाई। बहुत मेहनती है, मेरा पति बहुत मेहनत करते हैं ना। अच्छी बात, मैं भी करती हूँ, मैं अपने काम पूरे करती हूँ टाइम पे, कोई मेरी भी तारीफ नहीं करता। हाँ, हाउसवाइफ की तो कभी तारीफ होती ही नहीं है, उसका तो काम कभी काम होता ही नहीं है। कभी कभी कर देते हैं ये टाइम पे काम, कभी कभी। जाओ तुमसे यही उम्मीद है। सानू ब्रो, हम निकल चुके हैं आपके स्वयंवर कराने के लिए और बड़ी मम्मी साथ में है, बाकी पीछे पूरा लगेज हमने पीछे रख लिया है सब सामान। और एक बहुत ही सानू भाई के परम मित्र बिल्कुल सटीक तरीके से आगे बैठे हुए हैं। सो गए हरामी, ये बहुत बड़ा मैं जानता हूँ इसको। और जी बताइए, ये क्या लेके घूम रहे हो? पर्स घूम नहीं रही हूँ, ये गिफ्ट है बड़ी मम्मी अपनी तरफ से ना जी। मतलब हम सब की तरफ से आकांक्षा को देंगी, मतलब सानू भैया की होने वाली वाइफ। और ये रिंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे घर में बहुत शानदार, सभी के लिए, बहू रानी के लिए। हाँ, सबकी तरफ से प्रेजेंट है बहू रानी के लिए, पहले रिवील कर दिया अंशी ने। हाँ, और क्योंकि फिर है ना एंड टाइम पे मैं नहीं दिखा पाऊंगी ना, इस वजह से। अच्छा, तो जल्दी में रहेंगे सब। तो इस वजह से अभी दिखा दिया है। अब पूरा एंजॉय होगा। खांसी भी भैया की शादी में भी तुमने अपनी खांसी कर ली, और मेरी शादी में भी उस टाइम पे मुझे खांसी थी, बिल्कुल 5 दिन पहले ही जाके ठीक हुई थी। ज्यादा मत खांसो। हंस के हंस के ले रहे हो। मम्मी क्या मुस्कुराई है ये? मम्मी जान बुझ के खांस रहे, जैसे जोर जोर लगा के। मम्मी चश्मा उश्मा लगा के। तो अभी हम पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे में, बाकी उससे पहले अंशिका को करनी है कोई शॉपिंग। भाई इनकी शॉपिंग नहीं खत्म हो रही है यार, हमने तो थोड़ी देर में जाके कच्चे बनियान सब खरीद डाला और ले आए। थोड़ी सी गाड़ी धीरे चलाओ ना। कोई गाड़ी धीरे चलाओ भाई, धीरे करो इसे थोड़ी। हाँ धीरे हाँ, बस बस जैसे कट रहे करे जी। भैया हमें भी ले लेना, और इंस्टा में मेरी आईडी मिस्टर सेफी के नाम से 706। पहले जो है ना मेरा जो चूड़ा है वो बना के दिखा रहे हैं, देखते पसंद आता है, प्राइस भी बताएंगे फिर अपने हिसाब से सही लगाएंगे।
दोबारा आई हूँ मैं छोड़ के दोबारा दूसरी दुकान पे से, पहले यहाँ पे आई थी पसंद नहीं आया, फिर दूसरी पे गई, फिर वहाँ पसंद आया, फिर यहाँ जो पसंद आया आता है हमारे पास, फिर उसको लेने आई हूँ। अब देखते हैं भैया क्या दिखाते हैं। बस वहाँ पे ना ये वाले कड़े नहीं मिल रहे थे तो ये मुझे यहाँ पे पसंद आ रहे। हाँ मेरी तो ड्रेस दिखा दी तुमने पहले ही जो मैं पहन रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पता है पहले रेट बताए थे मैंने, 450 का पेयर है ये, ठीक है ना, तीन पेयर ये लग रहे हैं और ये 450 के फोर पीस हैं, ये फोर पीस ये लग रहे हैं, 150 की है, 120 की है और 50 रुपए की है। अपने हिसाब से कम करो, 1100 रुपए का उन्होंने बताया मुझे, इसका मतलब ये नहीं मैं दोबारा आई हूँ तो अब 2120 रुपए कुछ होते ही नहीं क्या आपके लिए? कुछ नहीं, अपने हिसाब से ठीक करो, नहीं तो मैं तो छोड़ के भी जाने को दोबारा तैयार हूँ। कुछ नहीं दिया, अगर आप जाओगे फिर दोबारा ले, फिर दोबारा आओगे क्योंकि कड़े मिलेंगे नहीं आपको। थोड़ा कम, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है, इसे कम करो। आप 2100 रुपए बोलो। क्या आईडी बताई भैया फिर से बता दो। मिस्टर सेफी 706 इंस्टा पे, ठीक है। बाकी वो वाला सेट बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहा था तो मैंने बहुत कम करा लिया, और जो चूड़ियां मेरे पास है उनको मैं ऐड कर लूंगी, और प्राइस इतने ज्यादा बताए हैं भाई साहब बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कम करा लिया। क्वालिटी बताओ, क्वालिटी कैसी, प्राइस की बात मत ना करो, क्वालिटी हमारे यहाँ। पैसे रिटर्न भाई कितने देंगे? 1500 ना, 1250 का 250 होता है। 15-20 मिनट में आ जाएंगे। मम्मी इतना टाइम इसलिए लग गया चूड़ी ढूंढने में भी, समझने में भी, और रेट भी थोड़े से ज्यादा है तो थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ी, पर समझ में आ गई। कुछ चूड़ियाँ मेरे पास भी हैं तो मैं उन्हें सेट कर लूंगी। हाँ तो इस वजह से इतना वेट करना पड़ा। कहाँ छोड़ दिए बाजार में? कहीं ऐसे छोड़ देता हूँ, मीना बाजार में ऐसी कहीं छोड़ देते हैं। तो बता तो दो कहाँ है। देखो सानू भैया की घोड़ी आ गई, सच के वो जा रही है। अच्छी, अच्छी है। सही है ना, सानू भैया के साथ ही चले गए। हाँ अच्छा, वो भैया आ गए थे तो उन्हीं के साथ चले गए हैं, ठीक है। तो हमें घर पे मिलेंगे आ गई, अभी पता नहीं कहाँ है दोनों। तो भैया हम तो जा रहे हैं घर पे, और हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है, बाकी बुआ जी और बाकी सब घर वाले सब वेट कर रहे हैं। रवि तो मम्मी के फोन आए जा रहे हैं क्योंकि उनको घर वापस भी निकलना है जल्दी से, तो हम अब फिलहाल जा रहे हैं घर। भाभी जी इंतजार कर रही है कोई अंदर से लेना है, पर कोई नहीं है। अभी कोई नहीं, हम भी जब तक नहीं उतरेंगे जब तक कोई नहीं आएगा। फूफा जी आ गए, फूफा जी उससे हम भी आए छे, हम भी शिमला से नहीं आ तो लो जी छत ने भी करी है। ये तो दोनों मैचिंग मैचिंग है। मामी मामी और नानी तो मैचिंग मैचिंग आई है, मैचिंग मैचिंग। नमस्ते, तुम्हें तो आज तो छोटा गुड्डा मिल रहा। हम जी राम राम। हाँ मामी मिली है, अंशी मामी आई। मेरे हाथ ही देख लो, बाल पड़ने शुरू कर दिए। बाल तो पड़ेगी, बाल तो पीछे, बाल तो नहीं छोड़ेगी। कभी लेने ना आता ना, देखा पीछे को देख कर लिया। मेरी इतना साड़ी, मेरे बैग में भक्ति बताओ। नमस्ते, मुझे चोर करता हूँ। नमस्ते नमस्ते। हम कहते कपड़े
साड़ी चुराने ये भाभी क्या बात करे ये कपड़े साड़ी पाई है वही पहले बैग पकड़ लिया नहीं तो यूँ तो साड़ी अब गायब हो जाती और मेरी शादी की साड़ी यही हूँ मेरे रंग में गई हूँ साड़ी भैया तुम भी जा रहे हो आई क्यों भी जा रहा इतनी देर में जा रहा तो जाओ फिर ताई जी पानी पीनी है चलने की तैयारी है मम्मी का जाने का मन नहीं है वैसे मम्मी तुम्हारा मम्मी मम्मी सच मम्मी सच सच बताओ तुम्हारा जाने का मन तो है ना क्यों आप तो जा रही हो मन तो लग रहा है तुम्हारा यहाँ पे चलो चलो भाई बाय 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 देखो जाने का मन फिर कमरे में देखो नेट भी आ रही है ये टोपी भी खा लेगी लाली दूध डाल है हाँ फिर सुनती रहेंगी रात को क्या छोड़ने आ रहे हैं सब जैसे मैं बिहारी जा रही हूँ इसलिए जा रही हूँ पति देव का मन नहीं लग रहा ठीक है मम्मी हाँ आप डैडी आप याद कर रहे कल शाम मिलते हैं मम्मी जो कह रही भाई हाथ का नहीं करूंगी प्रॉमिस नहीं करेंगे मम्मी नमस्ते नमस्ते बाय बाय दाल चावल मैंने बना के रख लिया खाली हो जाते हैं बहुत बढ़िया भाई इंजॉय कर लो बहुत अच्छा इंजॉय पिंजो इंजॉय पिंजो पिंजो इंजॉय जाओ इंजॉय कर लो भैया साहब बिल्कुल बढ़िया बाय 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 मोहित को मैंने जा चुकी है वहीं तक छोड़ के मोहित मोहित रो ना जाओ खिलवाई तक छोड़ के जाओ बाय बाय चलो भाई अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्राइड का लहंगा मम्मी जा चुकी हैं वापस खिलवाई और मैं आपको दिखाती हूँ होने वाली ब्राइड का लहंगा बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर सा सो ये है जोड़ा तो पैकिंग भी बहुत अच्छी हुई है और दीदी ने मेरी शादी के लहंगे की भी पैकिंग बहुत अच्छी की थी उसके लिए अब मैं थैंक यू बोल रही हूँ पर उनको सुनाई नहीं दे रहा उन्होंने अपने हेडफोन लगाए हुए हैं अच्छा आ रही है बहुत अच्छी पैकिंग की और अभी इसकी भी बहुत अच्छी पैकिंग है और चॉइस भी बहुत अच्छी है वेरी ब्यूटीफुल और कमेंट करके आप भी बताना कि कैसा लगा ब्राइड का लहंगा मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ कल के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है तो अब जल्दी से हम सोने वाले हैं और सुबह जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे और बुआजी का फेस आप देख ही सकते हो कितनी थक चुकी है बोल रहे हैं लेकिन हम सोएंगे हमारी बहुत सारी तैयारियां तो मिलेंगे अब कल नए व्लॉग के साथ देखना मत भूलना और बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि कल बहुत कुछ होने वाला है और एक्साइटमेंट बना के रखना अपनी।